हाउ टू डाउनलोड डुप्लीकेट ई पैन कार्ड। अगर आप अपने पैन कार्ड की डुप्लीकेट कॉपी डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरा आज का वीडियो आप लोगों के लिए। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह बहुत ही आराम से अपने पैन कार्ड की डुप्लीकेट कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनका पैन कार्ड खो चुका है और वो उसको डाउनलोड करना चाहते हैं, यानी उसकी डुप्लीकेट कॉपी इंटरनेट के माध्यम से डाउनलोड करना चाहते हैं। तो आप ऐसा बहुत ही आराम से कर सकते हैं। आपको बस अपना पैन कार्ड नंबर मालूम होना चाहिए। अगर आपको अपना पैन कार्ड नंबर मालूम है तो आप बहुत ही आराम से उसे डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए सीधा मैं आपको पहले गूगल पे लेके चलता हूँ और वहीं पर मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरह अपना डुप्लीकेट ई पैन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ देखिए मैं गूगल पे आ चुका हूँ। गूगल पे आने के बाद मैं लिखा है डाउनलोड ई पैन कार्ड। तो आपको कुछ इसी तरह गूगल पे आने के बाद लिखना है। जैसे ही आप डाउनलोड ई पैन कार्ड लिखते हैं तो आपके सामने ये जो NSDL की ऑफिशियल वेबसाइट है इसका लिंक आ जाता है और इसमें लिखा है डाउनलोड ई पैन कार्ड। तो आपको इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन करते हैं तो देखिए आपके सामने कुछ इस तरह का फॉर्म ओपन होता है। सबसे ऊपर आपको पैन का ऑप्शन मिल जाता है। तो आपको ये वाला जो पैन का ऑप्शन है ये सेलेक्ट करना है और देन आपको यहाँ अपना पैन नंबर लिखना है और आपको यहाँ अपना आधार नंबर लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, इस वाले ऑप्शन को आपको ब्लैंक छोड़ना है और देन आपको इस वाले ऑप्शन को टिक मार्क करके ये कैप्चा कोड भरना है और सीधा सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए ये डिटेल यहाँ मैं फिलअप कर देता हूँ जल्दी से। यहाँ मैंने पैन नंबर भर दिया है, आधार नंबर यहाँ मैंने भर दिया है, डेट ऑफ बर्थ भर दी है। अब मैं इस वाले ऑप्शन को टिक मार्क कर रहा हूँ और देन उसके बाद आपको इस कैप्चा कोड को पढ़ना है और सीधा सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो चलिए इस कैप्चा कोड को यहाँ से मैं फिलअप कर देता हूँ। सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते देखिए आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होता है जहाँ आपका पैन नंबर होता है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पिन कोड और जिप कोड होता है। और यहीं पर देखिए आपको एक ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, बर्थ का ऑप्शन दिखाई देता है। तो आपने जो भी अपने पैन कार्ड के साथ ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर रजिस्टर कर रखा है आप उस ऑप्शन को सेलेक्ट करिए। तो अभी फ़िलहाल यहाँ से मैं अपना मोबाइल नंबर सेलेक्ट करता हूँ और देन आई है वाले ऑप्शन में क्लिक करता हूँ और जनरेट OTP वाले ऑप्शन में क्लिक कर देता हूँ। अब आपके रजिस्टर मोबाइल पे एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ डालना होगा। यहाँ देखिए OTP मेरे पास आ चुका है, OTP मैं यहाँ डाल देता हूँ। यहाँ OTP मैंने डाल दिया, मैं सीधा वैलिडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। वैलिडेट वाले ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपके सामने एक और पेज ओपन होता है जिसमें कंटिन्यू विथ पेट ई पेन डाउनलोड का ऑप्शन आता है। तो आपको इसी वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस वाले ऑप्शन में क्लिक करते हैं आपके सामने देखिए यहाँ पेमेंट का मेथड आता है। आप यहाँ आपको यहाँ दो तरह के पेमेंट मेथड मिलते हैं, एक पेटीएम और एक बिल्डिक्स के माध्यम से पेमेंट का मेथड मिलता है। तो मैं यहाँ से सेकेंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट किया है तो आपके सामने जो पैन कार्ड की फीस है वो आ जाती है जो कि है 8 रुपये 26 पैसे। इसके बाद आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और प्रोसेस टू पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद पे कंफर्म वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ क्लिक करना है। अब आपको यहाँ थोड़ा सा वेट करना होगा। अब आपके सामने देखिए पेमेंट का ऑप्शन आता है जो कि है 8 रुपये 26 पैसे और यहीं पर आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, QR कोड और UPI के माध्यम से आप पेमेंट यहां कर सकते हैं। तो यहां मैं जो पेमेंट करने वाला हूं QR के माध्यम से। यहां देखिए भीम ऑटोमेटिक सेलेक्ट होगा और मैं सीधा मेक पेमेंट पर क्लिक करता हूँ। मेक पेमेंट पर क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने स्कैन QR का ऑप्शन आता है। आप इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करिए और जो भी आपकी एप्लीकेशन से आप ये पेमेंट करना चाहते हैं आप अपनी एप्लीकेशन ओपन करिए, QR कोड को स्कैन करिए। तो यहाँ से मैं अपने मोबाइल से एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ और इस QR कोड को मैं स्कैन कर लेता हूँ। मैंने अपने मोबाइल पर इस QR कोड को स्कैन किया है और जो मेरा पेमेंट मेथड है उसको मैंने पेमेंट को सेलेक्ट किया और देन पेमेंट पे मैंने क्लिक कर दिया। अब मैंने अपने मोबाइल से पेमेंट कर दिया है। अब हमको यहाँ थोड़ा सा वेट करना है। मेरे मोबाइल से पेमेंट हो चुका है और ये पेज देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ से रिफ्रेश हो चुका है। तो आपको बस थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ देखिए वेटिंग लिखा आ रहा है तो आपको इस पेज को क्लोज नहीं करना है। अगर आप क्लोज कर देंगे तो दिक्कत हो सकती है।
तो आपको यहाँ जितना भी वेट करना पड़े आपको यहाँ वेट करना पड़ेगा। यहाँ देखिए थोड़ा सा वेट करते ही हमारे सामने कंटिन्यू का ऑप्शन आ चुका है, ट्रांजेक्शन स्टेट आ चुकी है, और जो आपका डेट है वो भी डेट आ चुका है, नहीं आपने किस स्टेट पे ट्रांजेक्शन किया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, तो फिलहाल मैं इसका स्क्रीनशॉट रख लेता हूँ ताकि अगर कोई दिक्कत आती है तो मैं अपने इस पेमेंट को दिखा सकूँ। तो यहाँ से फिलहाल मैंने स्क्रीनशॉट रख लिया, मैं देन कंटिन्यू वाले ऑप्शन में क्लिक करता हूँ। कंटिन्यू वाले ऑप्शन में क्लिक करने के बाद देखिए जनरेट एंड प्रिंट पेमेंट रिसिप्ट का आपके सामने ऑप्शन आता है, तो आप इस वाले ऑप्शन में क्लिक करिए। इस वाले ऑप्शन में क्लिक करते देखिए आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाता है जिसमें आपका पूरा पेमेंट का मेथड होता है जो आपने पेमेंट यहाँ से की है। आप चाहें तो इसको यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं, आपके सामने पेमेंट प्रिंट का ऑप्शन है, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए पेमेंट का ऑप्शन ओपन हो जाता है, आप इसको अपना PDF में सेव कर सकते हैं। तो इसको मैंने PDF में सेव कर लिया। अब देखिए इस फॉर्म के जस्ट ऊपर आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है डाउनलोड ई पेन, तो आपको इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ से मैं इसको क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने दो तरह के ऑप्शन आते हैं, डाउनलोड ई पेन PDF और डाउनलोड ई पेन XML। आप जिस भी फॉर्मेट में इसको डाउनलोड करना चाहते हैं आप उस वाले ऑप्शन को यहाँ से सेलेक्ट करिए। तो फिलहाल मुझे ये PDF के रूप में डाउनलोड करनी है, तो यहाँ से मैं डाउनलोड ई पेन PDF वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, और ये देखिए ये फाइल हमारी यहाँ से डाउनलोड हो चुकी है। और इस फाइल को खोलने के लिए आपको एक पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल मैं इस फाइल को यहाँ से ओपन करता हूँ। देखिए जैसे ही मैंने इसको ओपन किया तो इसने मुझसे पासवर्ड मांगा, तो पासवर्ड देखिए यहाँ इन्होंने मैंशन कर रखा दिस फाइल पासवर्ड प्रोडक्ट एंड पासवर्ड द ओपन द सेम इन डेट ऑफ बर्थ, यानी जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसका इन्होंने पूरा फॉर्मेट लिखा है, डेट मंथ और ईयर, तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी। यहाँ मैंने डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, मैं सीधा सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते देखिए हमारा जो ई पेन कार्ड है वो यहाँ आ चुका है, जिसमें हम आपका नाम लिखा है, आपके फादर का नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपकी फ़ोटो लिखी है, साथ ही आपके सिग्नेचर भी यहाँ दे रखे हो। जब आप यहाँ नीचे आएंगे तो नीचे देखिए आपको आपका पैन कार्ड दिखाई देगा, जिसे आप कटिंग करके उसका प्रिंट आउट करवा सकते हो, कहीं भी इसकी आप लेमिनेशन करवा सकते हैं। अगर आप इस PDF फाइल को वेरीफाइड करना चाहते हैं, सिग्नेचर वेरीफाई करना चाहते हैं, तो नॉर्मल आप इसे अपने PDF जो रीडर वाला सॉफ्टवेयर होता है उसमें ओपन करिए, और इस PDF का जो सिग्नेचर है इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। इसको किस तरह वेरीफाई किया जाता है इससे जुड़ा मैं पहले वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप चाहें तो मेरा वीडियो देख सकते हैं। तो फिलहाल हमारे सामने देखिए हमारा जो पैन कार्ड है वो आ चुका है, आप इसकी कटिंग करिए, उसका प्रिंट आउट करवाइए और लेमिनेशन करवा के आप इसे कहीं भी यूज करिए। तो आप इस तरह बहुत ही आराम से अपने डुप्लीकेट पैन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये पैन कार्ड डाउनलोड करने में किसी भी तरह की कोई परेशानी आए तो स्क्रीन पर देखने में मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी सपोर्ट करूँगा पैन कार्ड को डाउनलोड करने में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।